चलिए मैं आज आप लोगों को किस तरीके से क्लच आप लोग खोल सकते हैं वो वीडियो में आज आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए मेरा वीडियो फर्स्ट से पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और जो क्लच कवर के साथ 8 नंबर बॉल रहता है उसी को मैं सब को ढीला कर लेते हैं। क्लच कवर रहता है उसी को मैं अभी उतार लेंगे और मोबाइल गेज को भी खोल लेंगे अभी, ताकि क्लच कवर खोलने के टाइम असुविधा ना हो। इसी के लिए क्लच तार को मैं खोल लिए और उसके बाद एक 8 नंबर टिपन ले लेना चाहिए और क्लच कवर को उधर से मातूल के मदद से ठोक लेना चाहिए। देखिए मेरा हो चुका है और देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर आ चुका है। उसके बाद देखिए मेरा बाहर नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ये जो किक सब रहता है उसी को मैं ठूक दी मातुल की मदद से। और उसके बाद देखिए बैलेंसर जगह एक मैं चिबी पिन फंसा लिए और उसके बाद जो बैलेंसर का कवर रहता है उसी में 4 स्क्रू रहता है उसी को मैं खोल लेते हैं बीट के मदद से। आप लोग भी इसी तरह से काम करो ताकि जो स्क्रू रहता है उसी स्लिप ना हो। इसी के लिए देखिए मेरा नहीं बार आ रहा मातुल के मदद से मैं इसको ठोक लेते हैं। चलिए और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर के मदद से इधर से मैं खोल लिए और उसके बाद जो बैलेंस कर देखिए मैं आप बैलेंसर का बोल्ट में ढीला कर लेते हैं इसी के साथ मैं खोल लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी खुले ये देखिए मेरा खुला हो चुका है बैलेंसर। और उसके बाद देखिए मैं इसमें मोबाइल रहता है इसी को मैं उतार दिए। चलिए देखिए मैं इसी को उतार लिया और उसके बाद जो ये फोर्स रहता है फोर्स के साथ 4 बोल्ट रहता है, मैं फोर्स का जो 4 बोल्ट रहता है उसी को सबको ढीला कर लेंगे। और उसके बाद जो सेंटर रहता है जो उसी को मैं बढ़िया से अभी खुलेंगे और जो पना रहता है उसी के साथ देखिए मेरा फोर्स खुला हो चुका है और 4 स्प्रिंग रहता है उसी को मैं अभी बाहर खींच लेंगे। देखिए मैं खींच लेंगे उसके बाद देखिए हॉप के जो पुलर रहता है उसी के साथ और गुटी ले लिया और उसके बाद क्लच हॉप क्लच सेंटर मेरा बाहर आ जाएगा। ये जो बोर्ड रहता है उसी को मैं ढीला कर लेते हैं। देखिए एक वाशर भी रहता है, देखिए मेरा जो क्लच हॉप सेंटर अभी बाहर आ चुका है देखिए। और उसके बाद जो 2 लॉक रहता है जो लोग मेरा चैनल बनाया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा वीडियो